क्लास टू में हम लोग पढ़ाएंगे पार्ट पांच सच्चा मित्र। तो चलो बच्चों हम लोग किताब की सहायता से पढ़ते हैं पार्ट को। पार्ट पांच सच्चा मित्र। दो बालक एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। एक का नाम था रमन, दूसरे का दमन। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ साथ पाठशाला जाते आते थे। एक साथ किताबें पढ़ते थे। दोनों की कक्षा अलग अलग थी। समय मिलते ही दोनों मिल लिया करते थे। उनकी मित्रता से कुछ लड़के जलने लगे। उनमें से एक था मलकित। सबने मलकित को उकसाया। मलकित ने सोचा, जैसे भी हो इन दोनों को आपस में लड़वाना है। एक दिन मलकित ने रमन के बस्ते से रोटियां चुरा ली। आधी छुट्टी के समय दोनों मित्र मिले। रमन ने दमन के साथ रोटी खा ली। मलकित रोज घात लगाए रहता। उसने एक दिन दमन की भी रोटियां साफ कर दी। जब दोनों मिलजुल कर खाने लगे तब मलकित आ गया। बोला, रमन आज तुमने बदला ले ही लिया। उस दिन दमन ने तुम्हारी रोटियां चुरा ली थी, आज तुमने उनकी चुरा ली। दोनों चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ गए कि यह मलकित का ही काम हो सकता है। एक दिन दमन बीमार हो गया। रमन अकेला ही पाठशाला आया। मलकित उसके पास गया और बोला, आज तुम्हारा मित्र नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे भी अपना मित्र समझो। रमन चुप रहा। मलकित खुश हो गया। बोला, तुम दमन को इतना मानते हो, वह तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। वह कह रहा था, रमन से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, फिर भी गोंद की तरह चिपका रहता है। आखिर तुम क्यों दमन के पीछे लगे रहते हो? उसकी कक्षा भी अलग है, तुम मेरे साथ रहा करो। रमन को उसकी बात अच्छी नहीं लगी। वह दमन के घर मिलने गया, उसे सारी बात बताई। दमन समझ गया। उसने कहा, मलकित से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई, वह हम दोनों को लड़वाना चाहता है। अगले दिन रमन दमन ने सारी शरारत आचार्य महोदय को बताई। आचार्य जी ने सभी बच्चों के सामने मलकित को समझाया, दो अच्छे बालक रमन और दमन परस्पर मित्र हैं। तुमने उन्हें लड़ाई करवाने के लिए रोटियां चुराई, चुगली की, यह गलत आदत है। बच्चों को सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से खेलना चाहिए, परिश्रम से पढ़ना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए।